अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो है सेकंड पीरियड पर जितनी मूवमेंट हुई है 1857 से लेकर 1905 तक, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पढ़ा था 1861, लेकिन हम यहाँ पर उसको दोबारा रिपीट करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट दिया गया था 1892 में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप हमारी अकेडमी चले जाइए यूट्यूब पर, इंडस अकेडमी, और मैं हूँ नुमान धौलपुर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जो हमारी वीडियो है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 पर। हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 पहले डिस्कस करेंगे। ये अगर देखा जाए तो ये इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया थी उसकी हिस्ट्री में, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश इंडिया है उसकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा एक आइन पेश किया गया था इंडियन लोगों की राइट्स के लिए। देन उसके बाद जो हाँ, ये एक आइन था लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। दरअसल ये एक ऐसा आइन था जिसमें जो गवर्नर जनरल होते थे उसको एक राइट्स दिए गए थे, लोकल गवर्नमेंट दी गई थी, क्योंकि 1857 से पहले, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इतने राइट्स नहीं थे। जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उनका सारे इंडिया में एक सल्तनत बन गई, इसीलिए उन्होंने अपने आइन बनाना शुरू कर दिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल सके। देन उसके बाद जो ये हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एक, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी एक्ट के बिना पर जो गवर्नर जनरल होता था, जो प्रोविंस को कंट्रोल करता था, उसकी जो कैबिनेट थी उसमें इंडियन पीपल को शामिल किया गया था। और उसके अलावा द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वॉज इंक्रीज, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेम्बर्स होते थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। द गवर्नर वॉज अथॉरिटी वॉज गिवन टू अथॉरिटी टू नॉमिनेट एट लीस्ट 6 पर्सन इन हिज काउंसिल। और गवर्नर को ये भी अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपने मन पसंदीदा लोग अपने कैबिनेट में 6 ऐड कर सकता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू मेक लॉ, उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि नए नए कानून बनाए लोगों की बेहतरी के लिए। द नॉमिनेट मेंबर्स वर नॉट अथराइज्ड टू क्रिटिसाइज। यहाँ पर एक जो है आपको एमसीक्यूज मिलता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 है उसमें लोगों को, यानी जो मेंबर्स होते थे, उनके चुने हुए मेंबर्स होते थे, उनको ये अथॉरिटी नहीं होती थी कि जो ब्रिटिश वाले बंदे होते थे वो जो भी लॉ बनाते थे वो आम लोकल पीपल को, यानी जो लोकल नॉमिनेटेड पर्सन होते थे उनको अथॉरिटी नहीं होती थी कि उस पर बहस मुबहसा कर सकें। ये हमारा किसमें था, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861। आप सिंपल समझ रहे हैं ना कि ये इसमें एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इस एक्ट में आम जो नॉमिनेटेड पर्सन होते थे, मेंबर होते थे, उनको अथॉरिटी नहीं, उस पर क्रिटिसाइज करें, यानी उसको बराबला कहें, यही वजह होती थी, या उस पर क्वेश्चन वगैरह कहें। सो ये भी इसमें थी। द हेड ऑफ द प्रोविंसेस वर कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो जितने भी प्रोविंस थे उस वक्त उनके जो हेड होते थे, जिसको हम अभी सीएम बोलते हैं, उस वक्त उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते थे। ये था हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861। देन उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी आपको ये बेहतर समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो एक दूसरा एक्ट दिया था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश वालों ने, जिसको इंडियन एक्ट 1892 बोलते हैं। उसके कुछ फीचर्स हैं, द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती थी, एक प्रोविंशियल में गवर्नमेंट होती थी, उनकी दोनों सीट्स बढ़ा दी गई थी। हाउएवर द ऑफिशियल मेंबर्स वर स्टिल इन मेजॉरिटी। नॉन ऑफिशियल को बढ़ा दिया गया था, जो ऑफिशियल होती थी उनको वहीं पर रख दिया गया था। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर गिवन द राइट टू पुट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर 1892 में, यानी कि 30 साल के बाद, उनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि अगर कोई भी लॉ हो आपको पसंद नहीं आता, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। वो किस में दी गया था, 1892 में। दे वर आल्सो ऑथराइज टू डिस्कस द एनुअल बजट, जो उनका बजट होता था, सालाना होता था, पहले उस पर गुफ्तगू करना उनको अलो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उनको गुफ्तगू करना अलो हो गया था। द लोकल बॉडीज वर गिवन राइट टू सेंड देयर इलेक्टेड मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोकल बॉडीज थी, सिंपल आम बंदे होते थे, आम लोग होते थे, आम होती थी, वो डायरेक्ट किसी भी मेंबर्स को इलेक्टेड नहीं कर सकते, यानी अपने राइट्स नहीं मांग सकते थे, लेकिन 1892 में उनको यह अथॉरिटी मिल गई कि वो अपने किसी भी मेंबर को चूज कर सकते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव उठा सकते हैं। द एक्ट ऑफ 1892 कुड नॉट इंश्योर द मैक्सिमम सेफगार्ड टू द मुस्लिम। यहाँ पर मुसलमानों को 1861 हो या 1892 हो, यहाँ पर बिल्कुल उनको
बुला दिया गया था। द मुस्लिम लीग फेल्ड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। यहीं पर एक चीज उभरी थी, वो ये थी कि अब मुसलमानों को एक अलग इलेक्शन करवानी होगी, अलग इलेक्शन के लिए राइट अपने मांगना होगा ताकि वो अलग इलेक्शन के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें और वो अपने राइट से हासिल कर सकें। तो ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, सिंपल था बहुत ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।